आज मसाला किचन में बन रही है बच्चों को बेहद पसंद आने वाली चॉकलेट आइसक्रीम, वो भी चौको चिप्स के साथ और ओरियो बिस्किट के साथ। गर्मियों में सभी को ठंडा खाना बहुत पसंद होता है, ऐसे में सबकी पसंद होती है आइसक्रीम की। आज की जो आइसक्रीम बनाई है वो है ओरियो बिस्किट से। आप कोई दूसरा बिस्किट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं इसे बनाया कैसे है। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। चलिए पहले देख लेते हैं कि इसे हमने बनाया कैसे। यहाँ पर लिया है मैंने 2 कप दूध, सिर्फ और सिर्फ 2 कप दूध। 1 कप डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर, 1 कप को मैंने अलग रख दिया है। 1/2 कप मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। यहाँ लिया है मैंने 2 ओरियो बिस्किट। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको ओरियो ही चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर में आप कोई भी ले सकते हैं। कुछ तो मैं बचाने वाली हूँ और सिर्फ कुछ ही डालूंगी, मतलब 1 पैकेट ही डालूंगी। 1 पैकेट क्यों डाल रही हूँ ये भी मैं बता रही हूँ। 10 रुपए का जो 1 पैकेट होता है उसे मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, किसी भी फ्लेवर में हो चलेगा। इसका पाउडर बना लेते हैं। अब ये जो पाउडर बना लिया इसे मैंने बचे हुए दूध के अंदर डाल दिया, इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने कोको पाउडर डाला 1 से 1.5 चम्मच। ये इसलिए डाला क्योंकि मैंने बिस्किट 2 पैकेट नहीं डाले। अब इसे मिक्स कीजिए, इसका परफेक्ट कलर आएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए जिससे इसमें लम्स ना हो। इधर दूध भी अपना उबल रहा है। अब छानते हुए इस सारे चॉकलेट के पेस्ट को इसके अंदर डाल दीजिए। इतने मिश्रण में आपकी एक जो ब्रिक मिलती है ना, उतनी आइसक्रीम, आपकी 500 ml आइसक्रीम बढ़िया से बन जाएगी। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है, कुछ ना कुछ हमें बना के रखना चाहिए जिससे बच्चे आराम से इसका एंजॉय कर सकें। ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आ रहा है। और अभी हमें इसे चलाते भी रहना है। चलाते इसलिए रहना है क्योंकि नीचे लगे नहीं। लास्ट ईयर मैंने आपको कस्टर्ड फ्लेवर में आइसक्रीम बताई थी, उसमें खूब सारी चेरी डाली थी और इसमें मैंने कोको पाउडर डाला है, तो आगे इसमें मैं चोको चिप्स डालने वाली हूँ। ये चॉकलेट का जो मिश्रण है ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हमने इसका गैस बंद कर देना है। गैस बंद करके रूम टेम्परेचर पर इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद 1 से 2 घंटा आपको क्या करना होगा, इसी मिश्रण को इसी कढ़ाई में ढक के आप फ्रिज में रख दीजिए, ये चिल्ड हो जाए। ये चिल्ड होगा ना, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो इस बात का खास ध्यान रखें। अब 2 घंटे बाद मैं आपको मिलूंगी। तो चलिए 2 घंटे हो चुके हैं, वो चिल्ड हो गया है मिश्रण, उसे भी ले आते हैं और जो मुझे अब इसमें डालना है वो ले आती हूँ। यहाँ पर लिए मैंने 1/2 कटोरी व्हिप्ड क्रीम। व्हिप्ड क्रीम अगर आपके घर में है तो 1/2 कटोरी वो ले लीजिए। व्हिप्ड क्रीम नहीं है तो आप 1 कटोरी ले लीजिए अमूल फ्रेश क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम भी नहीं है, व्हिप क्रीम भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, 1 कटोरी ले लीजिए फ्रेश मलाई, जो कि हम 2 लीटर करीब दूध लें, रात को अगर उबाल के फ्रिज में रख दें ठंडा करके, तो सुबह जब उसकी बढ़िया सी मलाई निकलती है ना, उस मलाई को भी आप यूज़ कर सकते हो। और उस मलाई को आप ठंडी ठंडी मलाई को मिक्सी के जार में डालिए, एक बार हल्का सा चर्न कीजिए, फिर ये मिश्रण डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर क्रीम को थोड़ा मिक्स किया, उसके बाद ये मिश्रण को डाल दिया और बढ़िया सी ये आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। अब आप किसी भी आइसक्रीम मोल्ड में डाल सकते हैं, किसी भी बॉक्स में डालकर जमा सकते हैं, जिसमें आपका मन करे। ये हैं चोको चिप्स। ये चोको चिप्स बनाने के लिए मैंने कोई चॉकलेट यूज़ नहीं किया है किसी भी कंपनी का, ना ही मैंने कोको पाउडर यूज़ किया है। ये कैसे बनाई है इन्हें आप देख सकते हो। ये सारी चोको चिप्स मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, बहुत अच्छी लगेंगी जब मुंह में आएंगी। आइसक्रीम डिश को मैं कवर करके फ्रीजर में जमने के लिए रख रही हूँ। थोड़ा सा जब जम जाएगा तो जो बिस्किट हमने बचाए थे ना, उन्हें हम इसे सजा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो जब आप सर्व करेंगे तब आप सजाकर इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा जमने के बाद 1/2 करके इस तरीके से डिश में ही सजा दिए हैं। ऐसा करने से जब भी जिसको खाना है आराम से इसको खा सकता है। अब इसे पूरा जमने के लिए रख देते हैं, फिर मैं आपको मिलती हूँ। ये लीजिए आइसक्रीम पूरी अच्छे से जम चुकी है। जब ओवरनाइट हम आइसक्रीम को रखते हैं तो बहुत ही परफेक्ट जम जाती है और बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही मुलायम, बहुत ही टेस्टी। इसे इस तरीके से स्कूपर से निकालिए
और बस इंजॉय कीजिए। मैं सर्व कर लेती हूँ। लग रही है ना मज़ेदार सी आइसक्रीम, जैसे हम मार्केट से लाते हैं। बहुत बढ़िया लगेगी, बच्चों को बेहद पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बस गार्निश कर दीजिए चोको चिप्स की। आप चॉकलेट सॉस भी डाल सकते थे अगर आपके पास कोको पाउडर ना हो तो। इस आइसक्रीम की खास बात ये है, ये सॉफ्ट भी बहुत रहेगी क्योंकि हमने क्रीम या मलाई कुछ डाला हुआ है, और ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होगी। जल्दी इसलिए नहीं होगी मेल्ट क्योंकि हमने इसके अंदर बिस्किट यूज़ किए हुए हैं। आप बनाएंगे खुद बहुत पसंद करेंगे। इसके ऊपर जो चोको चिप्स डाली है ना, माँ ये कैसे करूँ, जो हमारा दूसरा वाला चैनल है वहाँ मैंने ये चोको चिप्स होममेड बनाकर दिखाए, बिना कोको पाउडर के, बिना चॉकलेट के। एक बार जरूर देखिए, बहुत पसंद आएंगे। तो इस तरीके से आइसक्रीम बनकर तैयार हो गई है। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसे आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली को। अगर इस चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करने की कंजूसी बिल्कुल ना करें।